कुशेश्वर स्थान विधानसभा विकास कार्य में कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया को ऑर्डिनेटर सुमित कुमार ने कहा। समाजसेवी कुशेश्वर स्थान का बेटा अमीन संघ का प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार एक दिवसीय दौरे पर कुशेश्वर स्थान विधानसभा पहुंचे। वहीं त्रिभुवन कुमार ने कहा कि क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किए। बुचौली पीएससी में अनियमितता का जानकारी लगातार दूरभाष के माध्यम से मिल रहा था। वहीं शक्तिघाट राजघाट मार्ग में समेला से मुजफ्फरपुर इधर जाने वाली सड़क पर मिट्टी कम देने का सूचना स्थानीय जनताओं के द्वारा मिल रहा था। उपरोक्त स्थल पर पहुंचकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। त्रिभुवन कुमार कहा, पीएससी में चल रहे कार्य में 2 नंबर और 3 नंबर ईंट का प्रयोग से पूरे गांव वासी गुस्सा व्यक्त किया है। जनताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संवेदक शशि रंजन कुमार को सही से काम करने का नसीहत दिए। वहीं मिस्त्री लोगों के लापरवाही में सुधार लाने का सुझाव दिए हैं। जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद को गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने का सुझाव दिए हैं। शक्तिघाट राजघाट मार्ग में समेला से जाफरपुर सड़क निर्माण में मिट्टी कार्य में कटौती का अनियमितता का जानकारी पाकर संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सही से कहा जांच कर उचित कार्य करवाने का अनुरोध किए हैं। संवेदक की ओर से कार्यरत कर्मी भैरव कुमार सहित कर्मी को गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने का नसीहत दिए हैं। क्षेत्र के अंदर विकास कार्य में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उपरोक्त कार्य क्षेत्र के जनताओं का मूल समस्या है कि जिसे सही तरीके से निदान हेतु सक्रिय और सजग है। पूरे अनियमितता की जानकारी सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से जिलाधिकारी को समर्पित किए। जयकांत यादव, राजय यादव, पवन यादव, ददन यादव, पूर्व सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे मौके पर। नमस्कार, आज दिनांक 22/3/2023 को बिहार दिवस के दिन अपने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र का एक दिवसीय दौरा किए हैं। इस दरमियान वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा विशेष जानकारी दिया गया है, जिसमें शक्तिघाट राजघाट मार्ग और समेला अवस्थित बुचौली पीएचसी का भवन निर्माण में पूर्ण रूप से अनियमितता किया जा रहा है। उसमें 2 नंबर से 3 नंबर का ईटा का प्रयोग किया जा रहा था, तो उसी जगह पे उपस्थित संवेदक और जूनियर इंजीनियर दोनों को हमने फटकार लगाते हुए तुरंत उनको कहे कि इस गलत नीति को, गलत कार्य को रोके और सही से काम करें। उसके बाद जो सड़क जो चल रहा है, सड़क में जो समेला चौक से जाफरपुर की ओर जो बढ़ता है, उसमें लोगों के और स्थानीय लोगों को कहना है और सच्चाई ये भी है कि वहाँ लॉ लैंड है और वहाँ पे जो पूर्व समेला से उधर जो काम हुआ है उसके मिट्टी का पैमाना ठीक ठाक रहा, लेकिन समेला के बाद जाफरपुर इधर जो बढ़ता है उसमें मिट्टी का रेशियो बिल्कुल कम कर दिया गया है। हम ये अनुरोध करना चाहते हैं एक्सिक्यूटिव इंजीनियर साहब से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, कि मिट्टी को पुनः इंजीनियर के माध्यम से जांच करवा करके कि जो रोडमैप तैयार किया गया, जो उसका क्षमता है, उस अनुकूल काम करने का कृपा प्रदान करवाने का कृपा प्रदान करें। और हम खास करके अनुरोध करना चाहते हैं कि जो पीएचसी में अनियमितता किया जा रहा है, जो गड़बड़ियां किया जा रहा है, सीमेंट बालू मिलाने में गड़बड़ियां किया जाता है, उसमें उस मटेरियल देने में गड़बड़ियां किया जाता है, और ईटा 2 नंबर 3 नंबर का उपयोग करके हॉस्पिटल निर्माण कर रहा है कि जो विगत 1 साल के 2 साल के अंदर में ध्वस्त हो जाएगा, इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। हम जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करें ताकि संवेदक मनमानी और तानाशाही रवैया पर लगाम लग सके, क्योंकि हॉस्पिटल सड़क शिक्षा हम लोगों का मूल अधिकार है और ये तमाम चीजों में किसी भी प्रकार से कोताही बरता नहीं जाएगा। इसीलिए हम विनती करके अनुरोध करना चाहते हैं, खास करके जिलाधिकारी महोदय से, कि इस पर संज्ञान लेने का कृपा प्रदान करें। त्रिभुवन कुमार, कुशेश्वर स्थान विधानसभा। धन्यवाद।